वही तुम आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं राबिया यूसुफ। सबसे पहले अब तक की हेडलाइन। सरगोधा के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया। एक बच्चा जख्मी। कत्ल किए जाने वालों में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल। फैसलाबाद में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटा कत्ल कर दिया, कातिल गिरफ्तार। गडानी के साहिल पर डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें भी निकाल ली गईं। वाकये में जान बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। गुज़श्ता रोज डूबने वाली 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं थीं। 11 अफराद को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। दादू में दुश्मनी की आग ने 6 जिंदगियां जला दीं। डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब मुखालफीन की फायरिंग। पेशी भुगत कर आने वाले 6 अफराद मारे गए, 1 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और सरगोधा में भी बारिश की खुशखबरी सुना दी। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगीं। रोक सको तो रोक लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। कराची में डाकू आपे से बाहर। शाह फैसल कॉलोनी में घर को लूट लिया। CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। पुलिस मुलजमों को गिरफ्तार करने में नाकाम। न कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, न मुझे कोई लालच है, न मैं किसी की तरफ देख रहा हूं। सर ये तो मैं किसी शीदू कह चुका हूं, किसी आवारा बस का मैं ट्रेवलर हुई नहीं। मेरी 34 साल सियासत आपके पास है। बगावत नहीं, इख्तलाफ है। मेरे हवाले से झूठी खबरें चलाई गईं, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चौधरी निसार की वजाहतें। कहा कुलसूम नवाज की तबीयत बेहतर होने पर इख्तलाफात की वजह बताऊंगा। पुराने नए की बात नहीं है, मेरिट की बात है। किसको देंगे? जिसकी इलेक्शन लड़ने की बेहतरीन चांस है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो इलेक्शन लड़ने की साइंस जानता है। और ये सारा कुछ कई जगह ये देखते हैं कि हाँ कैंडिडेट तो ये बेहतर है। किसी दोस्त रिश्तेदार को टिकट दिया, ना ही किसी से पैसे लिए। हर फैसला मेरिट पर किया जाएगा। कप्तान की यकीन दहानी पर बनीगाला में धरना खत्म। खवातीन कारकुनों में टिकटों की तकसीम को मुश्किल काम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की खवातीन भी टिकटों की तकसीम पर नाराज। लाहौर में चेयरमैन सेक्रेटरीट पर एहतजाज। हालिया हमजा पर फहरिस्त ने बदलने का इल्जाम धर दिया गया। कप्तान की यकीन दहानी पर बनीगाला में जारी धरना खत्म। चीफ जस्टिस का लाड़काना के चांदी का अस्पताल का दौरा। मरीजों के आयादत की लेबॉरेटरी के अबतर हालत पर MS की सर्जनिश। सियासत से ताल्लुक नहीं, गैर जानबदार है। RO से मुतलक एहतियात से बात करें। सखर में खिताब। अदलिया मुखालिफ तकरीर केस। एहसन इकबाल की कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। आप चाहते हैं मुल्क जैसे चल रहे चलता रहे, कोई एहतसाब ना हो। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। सीन बलोचिस्तान में 3 साल के दौरान गैर कानूनी भर्तियां। साबिक IG समेत 70 आला अफसरान और एहलकार जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकती रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी और NAB को भिजवा दी। शाहदरा में खातून ने मुबैना तौर पर मोबाइल फोन नंबर मांगने पर ट्रैफिक वार्डन की पिटाई कर दी। वार्डन ने बदसलूकी की और गालियां दी। खातून का इल्जाम। CTO ने वाकये का नोटिस ले लिया। गजा में इसराइली फौज ने मुजाहिरीन पर फिर फायर खोल दिया। 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। 7 की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। तुर्की में सदारती इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सदर रजब तैयब उर्दगान समेत 6 उम्मीदवार मैदान में। नए सदर को फौज और अदलिया में तकरियों का इख्तियार होगा। अपोजिशन रहनुमा मुहर्रम मंजी की बड़ी रेटियां। उर्दगान को टेलीविजन पर बराह रास्त मुनाजरे का चैलेंज। लंदन के रेस्टोरेंट में खौफनाक आतिशजदगी। 10 फायर इंजन और 72 फायर फाइटर्स ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। This is potentially dangerous and Costa Rica with the pull back and a big chance. Oh, what a chance. FIFA World Cup के धमाकेदार मुकाबले ब्राजील ने कोस्टा रिका को 2-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नाइजीरिया ने कमाल कर दिखाया, रूस को 2-0 से हराकर धाक बिठा दी।
दुनियाई हॉकी का चैंपियन कौन? हॉलैंड में हॉकी की आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी का आज आगाज होगा। पहले मैच में ही रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमों में टाकरा होगा। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे। और तीफा इन ट्रबल के आइटम सॉन्ग की वीडियो लॉन्चिंग की लाहौर में तकरीब, फिल्म की स्टार कास्ट में शोबिज सितारों की भरपूर शिरकत। आपने जानी अब तक की हेडलाइंस। मजीद तफसीलात और खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें www.sanjhnews.com।